हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मस्त सुबह हो चुकी है और चकलियाँ हर रोज की तरह मस्त चिलचिलाती हुई मजे दे रही है, मन को सुकून दे रही है। तो आइए, गार्डन, ध्यान, योगा सब हो चुका है और हमारी चकली यहाँ पे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है। अभी देखो पेंसिल नहीं है ना, और उसकी अब मम्मी। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग किंजल, कैसी हो? बहुत, देखो अभी चल रही क्या आ रही स्कूल जाने के लिए। ओके, न्यू कॉन्सेप्ट का आज से काम शुरू होने वाला है, बेसिक वर्क शुरू हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, ये परचेजिंग वाली आइटम है वो सब लेके आते हैं। और स्पेशली एक न्यू ऐसे फार्मर हमें मिले जो उनका घी गुणधर्म बहुत बढ़िया है, पूरी प्रोसेस ऑर्गेनिक वो पूरी बनाते। तो आइए उनसे भी मिलते हैं, उनकी गैया भी मिलते हैं, देसी गिर गया घी, क्योंकि आने वाले समय में और घी का ऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए एक और फार्मर जो हमें मिले हैं उनसे आज मिलना है। आओ काका, वेलकम। जय स्वामी, जय स्वामीनारायण। ग्रीनरी चारों और छा गई है काका, मस्त अजी बाकी से। अच्छा, अभी तो बारिश और बाकी है और ग्रीनरी घटा गोर होगी भाई। रास्ते बहुत ही बढ़िया है, देखो जैसे शिमला मनाली घूमने जाने हो उस तरह का बहुत बढ़िया मौसम है अभी। अम्बावाड़ी ये है नई गिर गाय जो अभी जिस फार्मर के घर आए हैं, और गाय भी बहुत बढ़िया है, गाय का घी भी बहुत ही पवित्र है, उसका वाछड़ा है, गाय है उसको भी देखो पंखा लगाकर उसकी प्रॉपर सुविधा, क्योंकि इसका मन भी अगर विचलित होता है ना तो भी हम इसके अंदर दूध घी कोई कुछ भी खाते तो भी हमें उसका फायदा नहीं होता। गाय को भी पंखा लगाया है फार्मर ने, इसकी जतन भी बहुत बढ़िया करते है, और गाय माता है इसलिए इसकी जतन जितना हम करेंगे तो उसके अंदर जो दूध घी मक्खन सब आयुर्वेदिक माना जाता है। तो ये है वो गाय जो बहुत ही बढ़िया है, उसको अच्छी तरह से संभालते ट्रीट करते हैं, उसको गुड़ खिलाते हैं, जो जो भी हम अच्छी तरह हेल्दी चीजें है वो इस गाय को खिलाते हैं, ठीक है। इसलिए भी इसका बाछड़ा देखो मस्त हेल्दी है अभी, और उसके लिए नींद पूरा सब बहुत बढ़िया है, बराबर जन गाय का मस्त जन गाय। गैया चराने भरवाड़ निकले अभी, बहुत बढ़िया सीन है, देखो आगे गैया है। भाई सावरकुंडला मार्केट से निकले, हमें जो चाहिए था वो स्पेशली नहीं मिला है, हमें कुछ यूनिक चाहिए था यहाँ पे नहीं है, उसके लिए अभी हमें जाना है अलंग। अलंग जाएंगे, वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो अलंग की टूर करेंगे और अलंग में क्या क्या वैरायटी नई नई है वो आप सबको दिखाएंगे। आप खास देखिएगा, बहुत ही अलग यूनिक आइटम होगी, तो पूरा ब्लॉग आपको अलंग का दिखाएंगे, ठीक है। ₹10 ना? हाँ जय ले, ₹10। वाह भाई वाह, तो ये है कुंडला की मार्केट, बहुत बढ़िया दाते पाते दे रहे, सब कुछ कटलरी ₹10 में खाली, ₹10। वाह भाई वाह। हेलो काका, तमारे लगन पछी खरीदी करजो पण मारे। हां अपन लईले नी नोमळा ढळकाई दे जो बे दी बाळे दे भाई, थोडो रस पी ले ठंडा થઈ જાય। चलिए तो यहां पे थोड़ा रस में बैठ जाते हैं। वाह भाई वाह। हमारी गैया आप देख सकते हो मस्त गिर गए, देखो वाह ये भी गिर गई है, कितनी बढ़िया गिर है, कान बड़े बड़े हैं काका, केरी वाला अरे देख सकते हो यही है, ये प्योर गाय का घी जो रेडी कर रहे हैं अभी। तो ये अभी बवणी जितनी हो सकती है रेडी करते जाते हैं। ये जो आपको गैया दिखाई वो स्पेशल गिर गाय की बवणी है, तो अभी इसका रेडी करेंगे, सैंपल लेंगे। तो घी जो है वो इस तरह
पूरा गाय गिर गाय का है देखो, इसलिए इसकी कणीदार बहुत ही बढ़िया, घी की मात्रा भी बहुत बढ़िया है। तो इसको अभी प्रॉपर घर पे सब लोग देखेंगे, इसका टेस्ट करेंगे, जैसे सही में पता चल जाएगा तो इस घी को आप तक पहुंचाएंगे। ये घी सबसे ज़्यादा गुणकारी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है और बच्चे है, और सबसे ज़्यादा यूज़ अगर होता है तो हार्ट अटैक के पेशेंट्स जो होते हैं, जिसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है, इनके लिए ये घी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। ठीक, फाइनली गिर गाय का घी हमें मिल चुका है। अभी देखो पानी पीने के लिए सब लोग जाएंगे। वाह, तो ये है स्पेशल गिर गाय का घी जो हमने आपको दिखाया। जब तक हम इतना प्योर मिलता रहेगा आपको भेजते रहेंगे। इसकी साचौनी भी इतनी मस्त है, देखो सब पानी पीने जा रही है अभी। वाह भाई वाह, गिर गाय इतनी स्वस्थ है, इसको अच्छे से संभालते हैं तब जाके इतनी अच्छी रह पाती है। उसे बहुत ही बढ़िया बारिश शुरू हो चुकी है, ग्राउंड पूरा भर चुका है और अभी बारिश की बहुत ही बढ़िया सीजन आ चुकी है घर पे। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा शुरू हो चुका है भाई, अभी कोई मज़ा आएगा कुछ वाणी करने का। सब फार्मर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, पानी एकदम क्लीन क्लीन इतना बारिश जा रहा है कि क्या पूछो बात भाई। पानी से भर गया पूरा ग्राउंड। पानी डेली में से निकल रहा है, इतना आटलो बजो पहली बार ने बायो माटे खुशी ना समाचार आले बाबू माटे दुख ना समाचार वेकरो तड़ाई रे काय दुख ना रे ये तो बातो ले जाऊ वेकरो वो मुटियो भाई धमाल फेरी जो है पूरा पानी पानी हो गई है, ऊपर से पानी चला गया, मतलब बहुत ज्यादा बारिश आई भाई। तो सब फार्मर के लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई इतना मस्त पानी आ रहा है, ऊपर इतनी बारिश है, तालाब नाला नदियाँ जो भी है सब भर जाएगा, क्योंकि इतनी बारिश में तो कुछ खाली नहीं रहेगा, सब भर जाएगा। हाँ तो बिजली पड़ गई मापा भाई, बहुत ज्यादा भाई बिजली भी कड़क रही है और बारिश भी इतनी है कि क्या पूछो बात भाई। पूरे ग्राउंड में बारिश बारिश हो चुकी है और बाहर भी इतनी बारिश है और ऊपर से इतनी ज्यादा बिजली कड़क रही है, लेकिन ग्राउंड क्या बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो पूरा ग्राउंड पानी से लथपथ हो चुका है, भर चुका है, मजा आ रहा है भाई। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बारिश आ रही है। यहाँ से ना बाबू पण घूंगड़ो ने देखा तू ने अला पेलू तो गोल गोले फरतो ई बंद थई गयो आ तो जो पण केटलू पानी जाय। बारिश चली गई है, अभी शांत मौसम हो चुका है। ऑफिस में चलते हैं, आप सबका पार्सल बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, अभी पैकिंग हो रहा है, घी भी आ गया है। तो आइए, पार्सल की रमझट बोल रही है, कठोर का काम चल रहा है। बेसिकली जिसको भी प्राइस लिस्ट चाहिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो घी पार्सल बड़ा बड़ा रेडी। काका कितना कितना किलो ना रेडी करो तुम्हें? 70 किलो 12 किलो। तो भाई इधर लिखा होता है हमारा 70 किलो 800 ग्राम, 12 किलो 900 ग्राम, वो सब आएगा। ठीक है, तो बड़ा बड़ा पार्सल अभी कितने भरा हुआ है काका? आप बताइए। पूरु थी जाए माल बदो गोडाउन में छे। सरस सरस, तो खाली भरवानो छे ने? सफाई बधु रेडी कम्प्लीट? ओके भाई, तो सफाई करके भी सब रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे जितना आता है उतना भर भर के भेजते रहते हैं और बॉक्स यहाँ पे खत्म होते रहते हैं। देखो ये पुनः यहाँ पे भरा खाली हो गया। और ये घी जहाज लेके आए ना, ऑर्डर आता रहता है, वैसे तरह भरते जाते हैं। अच्छा हल्दर है जी, चाले जे हल्दर में मरचू तो अपने दिवाली हुंदी आल छे, अजी तो दो में दो मार पड़ा है। क्या छे अब से नहीं लना पड़वी पड़ छे, अपने तो ऑर्डर दिवाली हुंदी जावे से। हां बार फिर पोरे एम छे बार ना पछि वधी रे नहीं। अभी भी हल्दी जा रही है देखो, और है तो बहुत कम और अभी इतनी है, तो अभी बस खत्म होने को आई है अभी हल्दी। हां बो वाले सिंगदाना, तो भाई इसमें थोड़ा हाथ मार दीजिएगा, कहाँ पर भी निकले आगे पीछे हो एक आध दो दाना तो निकाल दीजिएगा, बाकी आएगा एकदम मीठा। हाँ डायरेक्ट फार्मर से लाते हैं ना, खाने में मीठा मजा आ जाए वैसा।
तुवेर दाल, तुवेर दाल भी जो है वो बहुत बढ़िया चलती है, सब लोगों को बहुत राइस के साथ खाते हैं। आपको फाइनल एक बार बता देते हैं, झीणा मग है, झीणा देसी मग, काला तल, यहाँ पे सारी हल्दी भरी है, यहाँ पे है मग दाल, देसी चना, व्हाइट चना, ये बाहर से लाए, ठीक है, बाहर के फार्मर, हमारे यहाँ पे नहीं होता। चना की दाल है और ये है व्हाइट तल, बेसिकली ये बहुत अभी चलता है मुखवास बनाने के लिए। बाजरी, ये सबकी चहेती मनपसंद काचरी जो चलती ही रहती। ये है छाछ का मसाला, तो पाचन के लिए बहुत बढ़िया है ये। तो देखो घी का पैकिंग कुछ इस तरह होता है, ये सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का पेशेंट होता है उनके लिए सही है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सही है और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सही है। पूरे साल में क्या क्या हम सेल करते हैं इसमें सब, ये कार्ड भी देते हैं आपको ताकि पता चले। तो भाई ये रसोई बनाना सीख गई है, पोछा मारना सीख गई है, बर्तन मांजना सीख गई, आज तैयार होना सीख रही है, पाउडर लगा लगा के, दो हाथ छोड़ के अपने गालों पे लगा लगा के गोरापन लाने के, आहा देखो, आहा दोनों हाथ घसेगी और गाल पे लगाएगी और तैयार होने के लिए सब ये मेहनत करती रहेगी। आहा देखो अभी क्या करना है आरोही, आरोही तू पाउडर लगाड़े छे, तू पाउडर लगाड़े छे, परोठी वाले गया, अरे तू पाउडर लगाड़े छे, बी बे दा हूँ जे दा, तू पहले इनके पाउडर लगाड़े छे। नया नया ड्रेस जो सिवड़ा के लाई है किंजल, कितना लिया है? लिया था मटेरियल था ना, वो सिलाई में दिया था। अच्छा अभी आज आ गया। अच्छा प्योर कॉटन का है? प्योर कॉटन का है, दुपट्टा भी अच्छा है, दुपट्टा भी मस्त है, किंजल की चॉइस बढ़िया बढ़िया ले रही है। थप्पे पे थप्पा लग चुका है भाई, बहुत ही बढ़िया मस्त बड़ा बड़ा पार्सल हुआ है, तो आइए इसको भी भेजना शुरू कर देते, आज गाड़ी निकल जाएगी। यहाँ पे मस्त भिंडा का मस्त शाक बनाया है, इसके साथ तोड़ के भी मजा आ जाए। देखो भिंडा है लेकिन तरता हुआ भिंडा, ऊपर तरता हुआ भिंडा, और यहाँ पे किंजल ने मस्त भाखनी बनाई है, रोही भी आ गई है, मरचा भी बनाया है, रोही आ चुकी है। तो क्या क्या किंजल ये दो दो पिंडा क्यों अलग अलग करती है? रोटी खाना है तो इसके लिए रोटी बनाई। अच्छा भाखनी बनाई, दो दो आइटम, वाह भाई वाह, वेरी गुड। चलो फिर देखो अभी मेरे फेस, बारिश भी इतनी मस्त है, ठंडा वैसे तो मौसम ठंडा है लेकिन बफारा बहुत होता है, बफारा ना बफारा का कुछ करना पड़ेगा भाई, बफारा का कुछ करते, कुछ क्या करते, एसी में चले जाते नहीं, एसी में नहीं, बाहर इतना बढ़िया एसी है, मौसम इतना मस्त है, हवा नहीं चल रही देखो बाहर, हाँ वो तो है, नहीं हवा आएगा, बारिश आने से पहले कैसे शांत मौसम होता है उसके बाद बारिश आएगा। क्या है आज? बस आज कुछ भी नहीं है, मजा आ गया। कहाँ पे आज गए थे? सुबह सुबह, हाँ सुबह सुबह गए थे, मस्त गैया गिर गए, हाँ, उसका घी देखो यहाँ पे है ना, स्मेल बहुत मस्त आती है, घी कैसा लगा तेरे को? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और पूरा ऑर्गेनिक है। इन लोगों ने घी खाया है ना, उनको कुछ ना कुछ फायदा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा रिपीट टू रिपीट, गिर गए का घी तो बहुत फायदा करता है, गिर गए का सब कुछ, घी मक्खन सब कुछ ऐसा है।